जय रघुनाथ जी की। मैं कुंवर राजेंद्र सिंह नरूका, बसेठ अलवर राजस्थान। बंधुओं, जो हरियाणा में कैथल में जो अब दोबारा से यह प्रयास हो रहा है, जो कि दादरी में जिस तरह से प्रयास किया गया था इतिहास को विकृत करने का, यह क्यों हो रहा है प्रयास? क्योंकि जगाधरी में पहले इसी कमरपाल गुर्जर ने वहां उद्घाटन किया, हमारे लोगों ने प्रयास किया कि वो इसका विरोध करके इसको हटवाएं, वो कोर्ट तक गए, डीसी तक गए, जबरदस्त आंदोलन किया, लेकिन हमारी गलती यह कि आंदोलन को हम बीच में छोड़ देते हैं, और वही कारण है कि आज उन्होंने फिर से प्रयास शुरू कर दिया है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, न केवल हरियाणा बल्कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल और पंजाब, आप सभी कल कैथल में सभी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को सामने रखें। जैसा कि आज हमने खुद पहले भी कहा था कि नाडोल में हम गए थे, वहां चौहानों की कुलदेवी माता आशापुरा के मंदिर में सभी चौहान खाप के, चाहे वो किसी भी जाति के हों, आते हैं। जैसा कि आशापुरा मंदिर का जो चौहानों की कुलदेवी है, उनका मंदिर का निर्माण राव लाखन सिंह जी चौहान ने किया था, और राव लाखन सिंह जी चौहान ने उस मंदिर का निर्माण किया, लेकिन सभी चौहान कुल के जितनी भी जातियों में लोग हैं, चाहे वो मेघवाल हैं, जाट हैं, गुजर हैं, मीणा हैं या अन्य जाति के लोग हैं, वो वहां आते हैं और कुलदेवी को नमन करते हैं, मन्नत मांगते हैं और अपने शादी विवाह के टाइम जोड़ों से वहां ढोक देने आते हैं। पर कोई भी व्यक्ति राव लाखन सिंह जी चौहान की जाति तो नहीं बदलता ना। ऐसा तो नहीं है ना कि राव लाखन सिंह जी चौहान को क्षत्रिय से हटाकर अपनी जाति का बताने लगे। एक ही राजा के कुलखाप अनेक जातियों में होते हैं। सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार की, परिहार कुल की, प्रतिहार कुल की शाखा भी हर जाति में है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि हम सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार को क्षत्रिय राजपुत्र से हटाकर कोई दूसरी जाति का बना दें। यह कुत्सित प्रयास कुछ दिनों से पहले चालू किया गया था, उसके बाद आज फिर चालू किया जा रहा है। हालांकि योगी जी ने दादरी में 21 सितंबर 2021 को बिल्कुल इसका पटाक्षेप कर दिया था कि सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार को प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज ही कहा जाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो हरियाणा में स्थित है, इस कंवरपाल गुर्जर को फिर से भेज रही है और फिर से दोनों जातियों के बीच में विभेद और संघर्ष पैदा करना चाहती है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं और साथ ही हमारे गुर्जर भाइयों से भी निवेदन करना चाहता हूं, राजा सबका पिता होता है, पर राजा की जाति बदलने का प्रयास ना करें। क्षत्रिय राजपुत्र सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार का यदि प्रतिमा आपको लगानी है, आप प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज करके लगाइए, आप उनको भारत सम्राट लिखिए, आप उनको चाहे जो कुछ लिखिए, लेकिन उनको जाति सूचक शब्दों से नवाजकर उनकी जाति को बदलने का प्रयास ना करें। हम सबके वो पूर्वज हैं, हम सबके आदर्श हैं, आपके भी आदर्श हैं, स्वागत है, लेकिन उनको क्षत्रिय से कहीं दूसरी जाति का मत बनाइए। आप लिखिए ना क्षत्रिय प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज, क्या दिक्कत है, हम सब स्वागत करेंगे इसका। मैं समस्त क्षत्रिय बंधुओं से निवेदन करता हूं और उन बंधुओं से भी निवेदन करता हूं जो इतिहास के वास्तविक स्वरूप को जानते हैं, वो सब कल कैथल में एकत्रित होकर एकजुटता का परिचय दें और प्रशासन को एकदम सचेत कर दें कि यदि किसी भी प्रकार का 20 तारीख को उसने कोई कुत्सित प्रयास को सफल होने के लिए प्रयास किया, तो ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन प्रशासन के हाथ में, प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी बंधु इसको सुन रहे हैं, वो सब कल कैथल में सारे भारी मात्रा में एकत्रित हों और अपनी बात, अपने विरोध और अपने प्रतिरोध को दर्ज कराएं। जय रघुनाथ जी की।